हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से है। दोस्तों, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी से आवेदन मांगे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल आवेदन है। तो इन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी के अंदर कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रोनॉमी से, और ये 3 सीटों के लिए आवेदन है। तो ये भी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बताया है कि मास्टर डिग्री आपके पास 55% के साथ में होनी चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जिन जो एससी एसटी ओबीसी नॉन कैमिलियर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। और इन्होंने बताया है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा और 50% आपके आने चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। और एग्जामिशन के लिए बताया है कि जिनके पास नेट या गेट या डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप वगैरह है तो वो एग्जम्प्टेड रहेंगे और डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताई है कि आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 6 मार्च को होगा और ये इंटरव्यू 6 मार्च को होगा 4 बजे। 1 बजे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा और 6 बजे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और जो एग्जाम्प्टेड है उनका भी उसी टाइम हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वेन्यू भी यहाँ पर बताई हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और टेस्टेड सभी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह, और आपको एज प्रूफ लगाना है, और साथ में रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और जो आपने फ़ी पेमेंट की है 100 रुपये की उसकी भी कॉपी होनी चाहिए आपके पास में। तो ये सभी चीज़ें लगेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेमेंट करने का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से जाना है, तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये लास्ट डेट इन्होंने बताया है कि 4 मार्च रहेगी लास्ट डेट, तो 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, ये इन्होंने सिलेबस बताया है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका सिलेबस है, तो यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो तैयारी कर सकता है। सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दे दिया है और आगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इन्होंने यहाँ पर। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ध्यान से भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और आपको ये डिपार्टमेंट में जाकर जमा करवाना होगा। दोस्तों, इसके अंदर हाई चांसेज है कि आपका एडमिशन हो जाए। आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।